और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने वाले व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के नेतृत्व में थाना अरूरा पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से लूट की घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 22 वर्षीय प्रदीप निवासी मिंडापुरवा, 23 वर्षीय पंकज निवासी सुखमपुर रसूलाबाद, 24 वर्षीय दीपू उर्फ देवेंद्र यादव निवासी सुखमपुर रसूलाबाद को अवैध शस्त्र और घटना में उपयोग किए जाने वाले मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सैयद बाबा की मजार थाना रूरा में इकबाल अहमद आरिफ पुत्र अमीरुल्लाह अंसारी भारतीय स्टेट बैंक झिंझक के शाखा प्रबंधक से हुई लूट के संबंध में और जिनई थाना रूरा में प्रधान डाकघर यशवीर सिंह के साथ लूट के संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां तीनों आरोपी कानपुर देहात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस के साथ ही मोबाइल और मोटरसाइकिल के साथ कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामले को दर्ज करके आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके द्वारा मोटरसाइकिल सवार को चिन्हित किया जाता था, जो कि अकेले आते जाते हैं, उसके बाद उनका पीछा करते हुए सुनसान जगह पर उसे रोकते थे और उसके बाद उसे लूट लेते थे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र रूरा के अंतर्गत रसूलाबाद मंगलपुर के अंतर्गत लूट की घटना घटित की जा रही थी, इसमें 22 सवारियों को द्वारा घटना घटित की जा रही थी। इस क्रम इसी के देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस महोदय के सफल पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई थी और इसी टीम का परिणाम ये रहा कि थाना अरूरा पुलिस और स्वाट टीम द्वारा जो हमारी है इसमें इन घटनाओं के जो लूट की घटना कार्य की जाती थी इन घटनाओं में को पारित करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो घटना में इनके द्वारा युक्त की जाती है 1 बाइक बरामद हुई है, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, 2 कारतूस हुए हैं, कुछ रुपये बरामद हुए हैं और कुछ कागजात जो इनके द्वारा लूटे गए व्यक्तियों से इनके द्वारा जो लूटे गए थे सामान उसमें कुछ कागज बरामद किए गए हैं। तीनों को गिरफ्तार कर दिया गया है और तीनों को नियमानुसार अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।